अपू जी ये सब क्या है? हाँ, और टप्पू सेना ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए? बताता हूँ। ये मेरी सेना है। हम दादाजी की ग्रीन आर्मी है। ग्रीन आर्मी मतलब समझे नहीं हम लोग। बाबा, हमारी ये सेना सोसाइटी को गंदगी से मुक्ति दिलाने वाली है और पेड़ पौधे लगाकर इसे ग्रीन बनाने वाली है। और सिर्फ हमारी सोसाइटी नहीं, आसपास की सभी सोसाइटियों को हम स्वच्छ बनाएंगे। हाँ, स्वच्छ हमारे पूरे एरिया को ग्रीनरी से भर देंगे। इसलिए हमने हमारी सेना का नाम ग्रीन आर्मी रखा है। समझे? जैसे इंडियन आर्मी सरहद पर खड़े रहकर दुश्मनों का सफाया करती है, वैसे ही हमारी ग्रीन आर्मी कचरे का सफाया करेगी। वाह, बहुत अच्छे है। लेकिन बापूजी, ये सब तैयारी अपने की कब? सारे सवालों के जवाब जब हमारा अभियान खत्म हो जाएगा तभी मैं दूंगा। बच्चों, सब में बांट दो। लगता है इसमें नाश्ता होगा। वेफर होंगे, हल्का है। खोलो खोलो, बक्से खोलो। चाचा जी, ये सब क्या है? डस्टबिन है पोपट अंकल। हाँ सोनू, डस्टबिन तो सबको दिख रहे, पर इतने सारे एक साथ? चाचा जी, ये सब किसके लिए? अरे आप सब लोगों के लिए ही है। निकालो निकालो, डिब्बे बाहर निकालो। चाचा जी, एक डस्टबिन से काम हो जाता है तो फिर तीन तीन की क्या जरूरत है? एक काम करो, हमको तो एक ही डस्टबिन काफी है, ये दो कोई और ले लो। हम लोगों को तो तीन भी कम पड़ेंगे, इसकी साइज छोटी है ना। सही बात है। तो कोमल भाभी, ये बैलेंस दो आप ले लो। हाँ, गुड, थैंक यू। यार, और भी कम पड़े, जरूरत हो तो पोपटलाल से ले लो ना भाई, वो तो अकेला रहता है, उसको तीन डब्बों की क्या जरूरत है? चलेगा। हाँ, मैं तो वैसे भी अकेला हूँ, यही आधा खाली रहता है। ओ यारो, ओ ब्लू तो मेरा फेवरेट है, तो एक काम करते हैं, ओ मेरा ग्रीन और रेड आप लोग ले लो और अपना कोई भी दो ब्लू मेनू दे दो। रोशन, पर मारो फेवरेट रेड छे। अच्छा, तो ठीक है, तो हम लोग रेड ले लेते हैं और ब्लू और ग्रीन दे देते हैं। रोशन, पर ग्रीन गोगी ना फेवरेट छे। हाँ, ओ यारो, एक काम करो, जैसे है वैसे ही रहने। अरे भाई सोड़ी, जैसा है वैसा ही रखना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तीन अलग अलग रंग के डिब्बे हैं और सब लोग अपने घर तीन डिब्बे ही लेकर जाएंगे, और वो भी अलग अलग रंग के एक है। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे अच्छा, वो मल्टीपेन आप आ गए। चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी इसलिए मैं तीन दिन तक सफाई करने नहीं आ पाई। अरे नहीं नहीं मालती बहन, आपको माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तो उल्टा आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि अच्छा हुआ आप तीन दिन यहाँ सफाई करने नहीं आई। उसी वजह से आज जो मैं अभियान शुरू करने जा रहा हूँ वो हो पाया। वो कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। वो तो है। यहाँ पे तीन डिब्बे हैं, हरा, नीला और लाल। वो दिख रहा है चाचा जी, लेकिन इसका करना क्या? अरे भाई वही बता रहा हूँ, जरा शांति रख, जरा सुन तो सही पहले। हाँ तो देखो, सबसे पहले है हरा डिब्बा, उस पे लिखा है गीला कचरा,
गीला कचरा यानी कि रसोई घर से जो कचरा निकलता है वो कचरा, जैसे कि सब्जी के छिलके, बासी खाना, सड़े हुए फल वगैरह वगैरह, वो सब कचरा इस हरे डब्बे में डालना है। फिर दूसरा डब्बा है नीला डब्बा, इस पे लिखा है सूखा कचरा। सूखा कचरा, सूखा कचरा मतलब कागज, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक का सामान, पुराने अखबार, ये सब कचरा इस नीले डिब्बे में डालना है, समझ गए। और तीसरा जो है वो है लाल डिब्बा, उस पे क्या लिखा है, अस्वीकार कचरा। अस्वीकार कचरा मतलब वो जैसे छोटे बच्चे वो पहनते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वाइपर है? नहीं दादाजी, वाइपर नहीं, डाइपर। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, वो इसमें डालना है। और फिर पुरानी ब्लेड है, हम घर में झाड़ू लगाते हैं तब जो कचरा निकलता है वो सब कचरा वगैरह वगैरह, वो सब इस लाल डिब्बे में डालना है। ओके। तो अब चलो, जैसे मैंने कहा उस तरह सब लोग अपना अपना कचरा इन तीन डिब्बों में डाल दो। ठीक है चाचा। लेकिन एक मिनट रुको, उससे पहले बेटा चलो, सब लोगों ने दस्ताने पहन लिए? हाँ, तो चलो आ जाओ, चलो कचरे के डिब्बे लेकर आ जाओ। चलो सब शुरू हो जाओ। चाचा जी, ये बैटरी कौन से डब्बे में डालने का? हाँ, लाल डिब्बे में। अरे एक मिनट, क्या डाला? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। बोतल थी ना? हाँ, कांच की बोतल। हाँ, कांच की बोतल। वो चाचा जी वो बच्चों के लिए रखी थी। रोशन, बच्चों के लिए? ओए रोशन माय डार्लिंग, वो दिवाली आती है तो बच्चे उसमें रॉकेट छोड़ते हैं ना, तो उसके लिए कांच की बोतल लगती है, समझी? अरे हाँ हाँ, सोड़ी बराबर है, लेकिन वो अस्वीकार कचरा है, उसे लाल डिब्बे में डाल। अस्वीकार छे। स्वीकार छे। हाँ? मने तारी बात स्वीकार छे। बद्दू जानू छू। अभी सब लोग और एक बात सुन लो, जिसके भी पास टूटा हुआ भी कोई कांच का टुकड़ा है तो उसे कागज में लपेट के फिर लाल डिब्बे में डालना है, समझ गए? हाँ हाँ। हो गया। चाचा जी, ये खाली पाउडर का डब्बा कहाँ डालना है? पप्पू, तू पाउडर शाउडर लगाता है? कुमारों का पाउडर लगाना मना है भाई, सोड़ी यंग दिखने के लिए लगाना जरूरी होता है। ओहो भिड़े, मैं यंग ही हूँ और बाल भी पूरे सर पर। लेकिन शादी नहीं हुई उसका क्या? अरे भाई डिब्बे, तेरे पाउडर का डिब्बा ये नीले डिब्बे में डाल। अरे ये एक और मिला, आत्माराम चाहिए? नहीं चाहिए भाई। ओके। अच्छा बाबूजी, ये तो अस्वीकार ना। अरे अरे देखो ये छाता, ये अस्वीकार कचरा है, मेरे छाते को कचरे में डाल दिया। भाई तुम्हारा छाता इधर कचरे के डिब्बे पे लटका हुआ था तो मुझे लगा कचरे में ही फेंकने का होगा। अरे क्या लगा, मैंने यहाँ छाता इसलिए रखा था ताकि मैं कचरा ठीक से डाल सकूं, छाते को कचरे में डाल दिया। अरे जेठालाल, मुझे लगता है पोपटलाल ने अपना छाता वो गीले कचरे के डिब्बे पे इसलिए लटकाया होगा क्योंकि छाता आखिर में गीला होता है ना। तुझे मजाक सूझ रहा? खबरदार, मेरे छाते के साथ किसी ने मजाक किया तो, और खबरदार
किसी ने मेरे छाते को कचरे के डिब्बे में डाला तो? अरे भाई गलती हो गई भाई, तुमने छाते को इधर एक कचरे के डिब्बे पर लटकाया था, इसलिए गलती हो गई। गलती नहीं, गलत फहमी हो गई। हाँ वही गलत फहमी हो गई। क्या हमेशा तुम छाते को अपने हाथ में रखते हो ना? आज इधर एक कचरे के डिब्बे पर लटकाया था, इसलिए मैंने सोचा की अभी ये फेंकने का होगा छाता, इसलिए फेंक दिया। फेंकने का नहीं है, कैसे हो सकता है फेंकने का? ओके ओके ठीक है, गलती हो गई, गलत फहमी हो गई। ठीक है ना, अभी छाते को घर जाकर नहला देना, साफ हो जाएगा। हाँ छाता तो वैसे भी बरसात में नहाते ही है ना, क्या है? हाँ बराबर, तो अभी अभी मत नहलाना, पानी बचाओ भाई, बरसात में अपना आप साफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सॉरी। तो सबका कचरा इसमें आ गया ना? हाँ आ गया। पप्पू जी अभी अभी सब लोग डिब्बे को भी इस नीले डिब्बे में डाल दो। मुझे कचरा के डिब्बे में क्यों डाला? अरे बापू जी ने अभी बोला ना डिब्बे को कचरे में डाल दो। चाचा जी आपने मुझे कचरे के डिब्बे में डालने को बोला? कहने का मतलब था कि डिब्बा मतलब अपने अपने कचरे के डिब्बे इस नीले डिब्बे में डाल दो। तो बेवकूफ, सब कैसा बेवकूफ है, एक नंबर के बेवकूफ। मैं तो हिला भी नहीं। अरे तो हिले नहीं हो तो आप देख रहे थे ना, बोल नहीं सकते थे कि पोपटलाल को कचरे के डिब्बे में मत डालो? मौका ही नहीं मिला। अरे बाहर निकालो मुझे। हाँ निकाल दे निकाल दे। अरे अब्दुल जरा डिब्बे को सुला दे तो। हाँ जरा भाई। अरे मुझे नहीं बेवकूफ, डिब्बे का मतलब ही इसका बेवकूफ। तो होगी जेठालाल, क्योंकि सूखे कचरे में नहीं पोपटलाल को अस्वीकार कचरे में डालना। चलो चलो अभी सब लोग अपने अपने डिब्बे इसमें डालो। चाचा जी अभी इस कचरे का करना क्या है? फेंकना है और की नहीं छोड़ी। इस कचरे का क्या करना है वो मैं मालती बहन को बताऊंगा। अब से रोज तुम सब लोग मैंने जैसे कहा उसी तरह अपना अपना कचरा तीन अलग अलग डिब्बों में डालो। समझ गए समझ गए। ओके। अभी तो मैं यहाँ था इसलिए मैंने सबको बताया कि कौन सा कचरा कौन से डिब्बे में डालना है, है? लेकिन बाद में तुम सबको तकलीफ ना हो इसलिए मेरी सेना तुम सबको एक एक पत्रिका देगी। अब हम सब लोग आज से ठीक एक महीने बाद सुबह 8:30 हमारी सोसाइटी के गार्डन में मिलेंगे। ओके जी ओके जी ओके। चलो जैसल भाई, कल से तुम परेशान हो रहे थे चाचा जी क्या करने वाले हैं क्या करने वाले हैं, बता दिया अभी टेंशन दूर हो गया तुम्हारा है ना? नहीं नहीं अभी पूरी तरह टेंशन दूर नहीं हुआ है मेहता साहब। मतलब ये कचरे का ये तो पता चल गया लेकिन वो बापू जी ने बोला था ना कचरे का धंधा करने वाला है उसके बारे में कुछ बताया नहीं बापू जी ने। वो तो मैं भूल ही गया भाई जैसल, तो एक काम करो ना पूछ ही लो ना। अरे क्या पूछ लो, सबके सामने नहीं, बाद में घर पे पूछ लूंगा। अरे जेठालाल अभी पूछ लो वरना जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम परेशान रहोगे, मारे मारे फिरोगे, फिर मेरे को आके परेशान करोगे, इसलिए पूछ लो चाचा। अरे नहीं भाई छोड़ो ना यार, बाद में पूछ लूंगा घर पे। ठीक है तो मैं पूछ लेता हूँ। अरे चाचा जी वो आप कचरे का धंधा करने वाले तो उस बारे में आपने नहीं बताया कचरे का क्या धंधा करने वाले हैं? तुझे कब बताया कि मैं कचरे का धंधा करने वाला हूँ? नहीं आपने मुझे नहीं बताया लेकिन अच्छा मतलब तूने मैं तुझको बताया? नहीं 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 मैंने इनको कुछ नहीं बताया, क्या कुछ भी अफवाह फैला रहे बापूजी के नाम से। क्या खुले हम जेठालाल तुम ऐसा झूठ बोल रहे हो भाई, कल रात को तुम मेरे घर आए तुम कह रहे थे कि भाई चाचा जी कचरे का धंधा कर रहे हैं, और कचरे का धंधा कोई करता है क्या? तुमने खुद बोला है मुझे आके। अच्छा कोई बात नहीं जेठा, तूने महसूस को बोल दिया तो बोल दिया,
लेकिन मैं ये सब क्या क्यों कैसे करने वाला हूँ उन सब का जवाब तुम लोगों को अभी नहीं दूंगा, एक महीने बाद दूंगा। चलो अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ है, और मैं और मेरी सेना इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अपनी सोसाइटी का काम तो हो गया, अभी हम सब लोग मिलके आजू बाजू की सोसाइटी, गली, मोहल्ले और अपने शहर को स्वच्छ बनाएंगे। तो मेरी सेना तैयार, शाबाश, तो चलो। सुबह एक बार फिर से तमाम गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर्स को चाचा जी ने बुलाया। क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है, क्या करने वाले हैं, सभी लोगों के दिमाग में ये सवाल उमड़ घुमड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कल क्या होने वाला है। कल हम सब लोग मिलकर देखने वाले हैं कचरे का एक नया रूप, कचरे का बिजनेस किया जा सकता है ये जानने वाले, और कचरे का सोना बनाया जा सकता है ये भी जानने वाले। क्या होगा कचरे का ये हम सब देखेंगे जानेंगे, लेकिन उसके पहले
आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो हम सभी की ओर से, गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से, हमारे निर्माता श्री असित कुमार मोदी की ओर से और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कचरे का बिजनेस कैसे किया जाएगा, कचरे का सोना कैसे बनाया जाएगा, किस तरह से कचरा स्टार्टअप इंडिया का एक प्रोजेक्ट बन सकता है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल के जवाब आपको मिलेंगे तब जब आप अपने अपने घरों का कचरा इकट्ठा करके कल का एपिसोड देखेंगे। देखिएगा जरूर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्योंकि आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.